हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज कनौजिया और आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। ऐसे ही रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा और मैं कहना चाहता हूँ कि ये व्लॉग है कुछ स्पेशल डे के लिए। जैसे आज मेरे लिए स्पेशल डे है, इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि आज की हमारी तैयारी हुई है कुछ इंडियन स्टाइल में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आज के लिए कुछ स्पेशल है जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए हम क्या स्पेशल दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तब तक लिए बाय गाइस। अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और अब हम पहुंच रहे हैं स्टेशन के साइड। मेरे साथ है मेरे बड़े भैया और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप वीडियो में देखना। तो गाइस अब हम पहुंच गए स्टेशन, अब हम जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। अब हम देखते हैं कि कौन सा मिठाई ले। तो गाइस आपका इसमें अगर कोई पसंदीदा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि आज स्पेशल डे, आपको तो पता है, तो मुँह मीठा कराने वाला दिन है। तो गाइस हम ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप लोग देखिए और भी अरेंजमेंट बाकी है। तब तक आपको थोड़ा समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। गाइस मैं पहुंच गया किराने की दुकान पर। अब मैं ले रहा हूँ नारियल और ये सेलेक्ट हो गया है। अब हल्दी बची है, हल्दी थोड़ी सी ले लेते हैं। हल्दी हो गया है। अब नेक्स्ट हमें लेना है, हाँ, कुमकुम लेना है। हमें लेना है कुमकुम क्योंकि टीका करना होता है तो उसके लिए कुमकुम भी ज़रूरी है। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या है। और बाकी भाई साहब क्या बोल रहे हैं मैं आपको सुनाता हूँ। कांगड़ा चुलेसन। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सूरज, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गाइस अब हम निकल चुके अपनी मंजिल के लिए। मैं और मेरी वाइफ हम साथ में जा रहे हैं और आप लोगों को ये बता दूं कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो कार्यक्रम के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा आज का स्पेशल जो सरप्राइज है, तो आप लोग देखते रहिए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये गुफा जो कि बड़े पेंटिंग में दम उतारा गया है। और यहाँ पर उनके सैनिक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उनके सैनिक है। हम स्पीड में थे इसलिए पूरा नहीं दिखा पाए, लेकिन आप देख सकते हो कि पहाड़ पर सैनिक चढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है ये। हम लोग पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था और यहां पर अब हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। जो चीज़ें हमने ख़रीदी है उसके लिए पेमेंट करना है, तो हम वेट कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहां पर और ये देखिए उन्होंने मुझे क्या दिया है। ये इन्होंने दिया है मुझे यहां पर साइन करने के लिए, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम ले रहे हैं ये। चुप है। तो हमने पेमेंट भी कर लिया है, साइन भी कर दिया है। अब जो हम खरीदने आए अब हमें वो मिलने वाला है। तो आप लोग अब देखते रहिए क्या होने वाला है, क्या चीज़ है जो हमने खरीदी है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बस दो मिनट की बात है। तो गाइज अब राज का पर्दा हट रहा है, आप लोग देखिए मैं हम क्या लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या ले रहे थे। ये फाइनली हमने TVS जुपिटर ले लिया है। तो गाइज ये आप लोग के लिए छोटी बात होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, फाइनली मैंने ले लिया। फाइनली गाइज अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है, मुझे चाबी मिल चुकी है। तो गाइज ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कभी भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो हम पहले उसकी पूजा करते हैं, टीका करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो बस ये वही प्रोसीजर चालू है। गाइज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने स्कूटी लिया जो कि मुझे बहुत नीड थी ये चीज़ की, और मैंने फाइनली ले लिया है। तो गाइज मेरी खुशी वही जान सकते हैं जिन्होंने मतलब अपनी मेहनत के पैसों से जिन्होंने ख़रीदा हो, वही खुशी इतनी दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से। बाकी का प्रोसेस आप लोग देखिए यहाँ पर चालू ही है। चलो अब टीका वगैरह हो गया, अब बारी आती है नारियल फोड़ने की। चलो अब नारियल फोड़ते हैं। और ये लो, इससे तो नारियल फूटे नहीं, चल आ जा, तुझे पहले कुछ खिला के जाता हूँ फिर फोड़ना। तो अब मैंने अपनी वाइफ को भरपेट खिला दिया है, अभी नारियल फोड़ने के लिए रेडी है। हाँ तो अभी इसे भरपेट खिला दिए, अभी नारियल फोड़ेगी, देखते हैं ये फोड़ पाते कि नहीं। और हाँ इसने फोड़ लिया काफ़ी मेहनत के बाद। फोड़ने के बाद अब थोड़ा इसे छिड़केंगे ऊपर गाड़ी के, उसके बाद इसे रख देंगे। अब आगे देखिए क्या क्या होता है।
तो गाइज हमें कब से लेनी थी स्कूटी, क्योंकि जो मेरी आप लोग ने देखा होगा वीडियो में जो मेरी ब्लू कलर की R15 थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर काफ़ी दिक्कत दे रही थी गाड़ी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमें कोई नई स्कूटी लेनी चाहिए। कैसा है कि स्कूटी में हम कंफर्टेबल होते हैं, कहीं हमें जाना है घूमने जाना है तो हम वैसे कि एक्स्ट्रा लगेज भी ले सकते हैं, और इसमें आपको पता है डबल हेलमेट स्टोरेज सीट है इसका, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसमें और भी ज़्यादा हम स्टोरेज रख सकते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हों या कहीं लोनावाला गए ट्रिप पर जाना हो बाय रोड तो हम इसमें घूम सकते हैं और हमें कंफर्टेबल होगी। हमने काफ़ी स्टार्टिंग में सस्पेंस रखा क्योंकि सरप्राइज अलग होता ना, ये हमारे लिए भी सरप्राइज है क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद न्यू गाड़ी ली है। मतलब मैंने जब R15 लिया था उसके बाद आज से 6 साल बाद मैंने ये स्कूटी ली है। स्कूटी इसलिए ली है क्योंकि मेरे साथ एक पापा की परी है, तो पापा की परी बाइक नहीं चला सकती तो इसलिए मैंने स्कूटी ले लिया है, क्योंकि बहुत बोलती थी मुझे स्कूटी चाहिए स्कूटी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके लिए भी स्कूटी ले लिया। अभी पैरों से ब्रेक मार मार के मेरे गाड़ी की। गाइज आप लोगों को क्या लगता है, लड़कियां पैरों से ब्रेक मारती है या नहीं? अच्छा हमको सिखा दिया है, कमेंट में आप जरूर बताना। नहीं बिल्कुल नहीं, मोस्टली हम लोग ने वीडियो में यही बताया कि पापा की परियां ब्रेक से वीडियो की बात अलग है और रियलिटी अलग है। नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ना पैर से ब्रेक मारती, बाकी लड़के जितनी भी पापा की परियां हैं इसे ही देख लो। वुमेन लड़कियों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं बदनाम किया जा रहा, क्योंकि लड़कियां ऐसा करती हैं। अच्छा। तो गाइज आप लोग देखना, हम लोग वीडियो में भी दिखाएंगे आपको कि ये ब्रेक कैसे मारेगी, ठीक है? तो गाइज आप लोग बने रहे वीडियो में, और भी काफी चीजें बाकी है, जैसे कि अभी आगे देखना आप लोग, अभी बताना नहीं है मुझे, आगे और भी प्रोसीजर बाकी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और देखते रहे। तब तक लिए तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, काफी टाइम लग गया हमें वहाँ पे प्रोसेसिंग ये सब करने में, और हमने काफी अच्छे से पूजा पाठ भी किया, 2 जगह हमने पूजा पाठ किया है, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा है, हमें ऐसा दिखाया गया है कि हम कोई भी नई चीज़ लेते, घर लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं जो भी लेते हैं तो हम उसे पूजा पाठ करके ही यूज करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा इस व्लॉग में हमने वो सारी चीज़ें की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।